हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, पाम नट प्यू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि पाम नट प्यू जो होते हैं वो दोनों फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं और आरजी और हमारा जो होते हैं पीछे होते हैं, और हमारा जो होते हैं वो आरजी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, उसके लिप्स पर बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती हैं और उसे ऐसे लिटा के उसके ऊपर आ जाते हैं, उसकी शर्ट के ऐसे बटन कर रही होती है, उसके नेक पर बहुत ज़्यादा किसेस और स्लोली स्लोली बाइट भी कर रही होती हैं। तो आरजी जो होती है वो हमारा को बिल्कुल भी नहीं रोक रही होती है, और जैसे जैसे हमारा उसकी शर्ट के बटन खोल रही होती है उसे किसेस कर रही होती है, तो आरजी थोड़ा थोड़ा घबरा रही होती है, वो अपनी आंखें पूरी बंद कर लेते हैं, उसके हाथ जो होते हैं वो कहाँ पर होता है, तो हमारा जो होती है आरजी के फेस पे ये घबराहट देख लेती है, वो समझ आती है कि आरजी अभी ये सब कुछ भी नहीं चाहती, तो वो इसलिए ऐसे पीछे हो जाती है और आरजी कैसे ऊपर करती है, उसके शर्ट के बटन जो होते हैं वो वापस लगा देती है, और आरजी ऐसे हमारा को देख रही होती है, तो हमारा कहती है कि क्या हुआ। आरजी कहती है तुम बताओ क्या हुआ, तुमने बंद क्यों कर दिया सब। तो हमारा हंसती है, वो आरजी का हाथ पकड़ के ऐसे बाहर विंडो की तरफ कर देती है, वो कहती देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, तो आरजी से हमारा को देख रही होती है, उसकी आंखों में एक सवाल या निशान होता है कि उसने ये सब क्यों बंद कर दिया। तो तभी हमारा जो होती है वो आरजी को कहती है कि मुझे पता है तुम्हें हाइट से डर लगता है, लेकिन इतनी हाइट भी नहीं है और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। तो आरजी जो होती है वो ऐसे थोड़ी स्माइल करते हुए समझ जाती है कि हमारा समझ गई थी कि आरजी थोड़ा घबरा रही है। तो आरजी की को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, हमारा को इस तरह से समझना, उसकी फीलिंग्स की कदर करना, और आरजी बहुत खुश होती है, और हमारा ना जो आरजी के हाथ को ऐसे अपने हाथों में थामा होता है, ऐसे बाहर के तब इन दोनों के हाथ होते हैं और दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमारा जो होते हैं ऐसे उसके हाथ पर हाथ रखते हैं और दोनों ऐसे फिश की तरह कर रहे होते हैं बाहर हाथ निकाल के, और आरजी कहती वाह कितना अच्छा लग रहा है ना, हाथ आगे कर रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे हम हमें पीछे लेके जा रही है। तो हमारा हंसती कहती हाँ ना बहुत अच्छा लग रहा है ना। तभी हमारा जो होती है ऐसे आरजी के चिक्स पर किस करती है, कहती है मज़ा आ रहा है। तो आरजी ऐसे मारो देख के स्माइल करती है और कहती है हाँ। तो भाना जो होती है वो प्यू कहती है कि फाइनली इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी हो गई है। तो तभी प्यू जो होती है वो थोड़ी ड्राइविंग के पास जो है गाड़ी साइड पे लगा देती है और कहती है चलो उतरो। तो आरजी कहती है हाँ। तो प्यू और भाना कहती है ऑफकोर्स यार यहीं ये सबसे बेस्ट जगह है, ये जगह तो देखने की है। तो उसके बाद ये चारों जो होते हैं वो ऐसे गाड़ी से नीचे उतरते हैं। टाइम ये लोग जो होते हैं एक पहाड़ पे खड़े होते हैं, तो आरजी उसको देख के थोड़ा घबराने लगती है, जबकि जब वो नीचे देखती है तो मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो आरजी एकदम घबरा जाती है, तो उसके हाथ ऐसे कांपने लग जाते हैं और वो उसकी आंखें मतलब एकदम से बंद सी हो रही होती हैं। तो भी हमारा जो होता है उसे ऐसे हक कर लेती है, वैसे उसके बालों में हाथ फैलते देखती जान रिलैक्स सब ठीक है, हाँ मैं हूँ ना, आज हम आपको ये डर ही तो ख़त्म करने आया, कुछ नहीं होगा सब ठीक है मैं हूँ ना। तो आरजी ऐसे हमारा को देखती है कहती मुझे सच में डर लग रहा है, हमारा ऐसे उसके फ्लर पे किस कर दिया और कहती रिलैक्स हो जाओ हम सब है ना तुम्हारे साथ, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी ट्रस्ट करो। तो आरजी ऐसे स्माइल करती है, तो उसके बाद हमारा जो होती है आरजी का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। तो प्यू कहती है कि तुम लोग वो कच्चा रास्ता देख रहे हो, तो आरजी ऐसे घूरती है और कहती है हाँ। तो प्यू कहते हम उस रास्ते से चलेंगे और इस रास्ते से हमें ऊपर पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ थोड़ा ऊंचा है हम लोग थक जाएंगे, इसलिए हम कोई भारी चीज़ बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, सबके पास बस एक स्टिक होगी और एक छोटा सा बैग होगा जिसमें पानी और मेड किट होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो आरजी कहते यार ये सब एडवेंचर करना ज़रूरी है, आई मीन घूमने आए हैं ना, घूमते फिरते घर चलते हैं बस। तो हमारा हंसती है और कहती है आई नो आपको डर लग रहा है बट रिलैक्स कुछ नहीं होगा। तो तभी प्यू जो होती है वो सामने एक शॉप पे जाते हैं, जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सबके लिए लेके आती है और सबको एक छोटे छोटे बैग्स जो होते हैं वो दे दिए जाते हैं, और ये लोग जो होते हैं स्टिक की मदद से छोटे से कच्चे रास्ते पे चलने लगते हैं, वो रास्ता ऐसे ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा होता है, तो ऊंचा होता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स से चलना होता है। तो हमारा जो होती है ऐसे आरजी का हाथ पकड़ती है, आरजी नीचे ही खड़ी होती है, उसका तो दिल ही नहीं कर रहा होता ऊपर जाने का। आरजी जो होती है वो घबराते हुए हमारा के हाथ में अपना हाथ तो दे देती है, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं होता ऊपर जाने को। हमारा कहते हैं क्या मैं यहीं रुक के तुम लोग का वेट कर सकती हूँ, तो हमारा हंसते कहते बिल्कुल नहीं। तो आरजी जो होती है वो फिर ऐसे हमारा के आगे आगे चल रही होती है, हमारा उसे खुद अपने आगे आगे रखती है कि अगर आरजी कहीं घबरा जाए या डर जाए तो हमारा उसको संभाल सके। तो प्यू और भावना जो होते हैं वो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, और यहाँ आरजी आगे होती है और हमारा बिल्कुल उसके पीछे पीछे होती है। तो आरजी जो होती है जैसे थोड़ा थोड़ा हाइट पर जाती है उसकी जान निकलने लग जाती है, वो पीछे को देखते हुए डर जाती है, तो हमारा फ़ौरन से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम क्यों नीचे देख रही हो, नीचे नहीं देखना सिर्फ आगे देखना है, ओके अगर पीछे और नीचे देखती रहोगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी।
तो आशिकी थी, मुझे आगे नहीं जाना प्लीज़, मुझे यहीं वेट करने दो ना तुम लोग का। तो हमारा थी नो वे, तो हमारा जो होती है ऐसे आशी के साथ आ जाती है, उसका ऐसे हाथ पकड़ती है और कहती है चलो मैं हूँ ना। तो आशी जो होती है उसे थोड़ा सुकून होता है क्योंकि हमारा ने उसका हाथ पकड़ा होता है, आशी को थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो आशी भी ऐसे थोड़ा थोड़ा फिर चलना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ये दोनों काफ़ी तक चलते रहते हैं, काफ़ी देर तक ना देखते हैं आगे से भावना और भी वो बिल्कुल गायब हो गया, नज़र ही नहीं आ रहे क्योंकि वो लोग बहुत आगे चले गए होते हैं, ये तो बहुत स्लो स्लो चल रहे होते हैं आर्ची की वजह से। तो आर्ची कहती है ये दोनों कहाँ चले गए, हमारा कहती है हमारी स्पीड एकदम कछुए जैसे थी और वो दोनों खरगोश बन गया, देखो निकल गई दिख ही नहीं रही कहीं। तो आर्ची हंसती है कहती फिर भी जीतता तो हमेशा कछुआ ही है ना। तो हमारा हंसती है कहती अच्छा तो इस कछुए को जीतना है, आर्ची कहती हाँ। तो मारा कहती चलो फिर। तो उसके बाद ये दोनों फिर से हंसते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो होती है आर्शी कहती है कि अच्छा मुझे और बताओ और किस किस चीज़ से डर लगता है मेरी जान को। तो आर्शी कहती देखो मैं किस चीज़ से डरती हूँ, ओके मैं शेरनी हूँ। तो मारा कहती हाँ मुझे पता, लेकिन शेरनी को भी किसी चीज़ से तो डर लगता है ना, जैसे हाइट और किस चीज़ से डर लगता है। तो आर्शी कहती वो अच्छा तो आप मेरे राज जानना चाहती है ताकि फिर बाद में मुझे अच्छे से डरा सकें। तो मारा कहती अरे नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तो भावना भी पहुँचे होते हैं, वो काफ़ी आगे पहुँच जाते हैं और वो वहाँ जाके रुक जाते हैं। तो भावना कहती शायद हमें उन दोनों को इतना पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था, वापस चले कि आप भी हो गए थे, अरे जानबूझ के तुमने पीछे छोड़ा है, हम होते तो तुम्हें पता है आर्शी थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन अगर वो दोनों अकेले हो तो आर्शी बिल्कुल नहीं शर्माती। भावना कहती तुम्हें कैसे पता, पी हुई थी बस मैंने उसे जज कर लिया है, वो कैसी है टेंशन नहीं लो सब ठीक होगा, और वैसे भी हम भी तो घूमने आया ना हाँ। तो फिर ऐसे बोल के भावना के कमरे में हाथ डालती है, तो भावना पीहू को देखिए हंसती है और ऐसे उसकी बाहों में बाहें डाल देती है और पीहू जो होती है वो भावना के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो ये दोनों जो होते हैं तो उसे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं। तो भावना जो होती है इधर उधर देखती है कहती वाओ मुझे यकीन नहीं आ रहा हम लोग इतने ऊपर आ गए। पीहू कहती हाँ मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हम लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के किस कर रहे हैं, वाओ कितना अच्छा एडवेंचर और यहाँ की हवा कितनी मस्त है ना उफ। तो भावना जो होती है ऐसे ऊपर घूमने लग जाती है, बाजू को ऐसे फैला के कहती है वाओ यार सच में ऐसे लग रहा है जैसे हवा हमें उड़ा के कहीं दूर ले जाएगी। तब ये ऐसे भावना को पकड़ लेती है कहती वैसे मुझे तुम्हें पकड़ना चाहिए भाई तुम उड़ भी ना जाओ। भावना कहती ओ अच्छा किसी ज़माने में तुम्हें बहुत मोटी लगती थी, अब इतनी सूखी लग रही हूँ कि हवा के झोंके से उड़ जाऊँगी। तो पीहू हंसने लग जाती है, फिर भावना भी हंसती है। तो पीहू कहती है वैसे ये जगह मस्त है ना। भावना कहती है हाँ मस्त तो है। पीहू कहती है अरे मेरा मतलब कि रोमांस के लिए, मेरी कितनी अच्छी जगह है ना, ऐसे हमने कभी ये वाला एडवेंचर किया नहीं करें खुले में रोमांस का। भावना कहती है हाँ ताकि कल हमारा MMS न्यूज़ में चल रहा हो है ना। तो पीहू हंसती है कहती इडियट यहाँ पे कोई दिख रहा है तुम्हें। भावना कहती अरे तुमने देखा नहीं छुप छुप के लोग वीडियोस बना लेते हैं। पीहू कहती अरे बाबा कुछ नहीं होगा यार कोई भी नहीं है यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है। भावना कहती लेकिन पीहू कहती अरे यार यहाँ पे तो सिग्नल्स भी नहीं आते, टेंशन नहीं लो तुम्हारा MMS बन के कहीं नहीं पहुँचेगा कोई नहीं है यहाँ पे। तो भावना कहती अच्छा तो भी फ़ायदा उठाए। तो पीहू ऐसे देख के स्माइल करती है, तो भावना ऐसे पीहू को किस कर रही होती है। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। तो उसके बाद भावना जो होती है ऐसे पीहू को नीचे लिटा देती है, मतलब वहाँ थोड़ी थोड़ी घास होती है और कुछ भी नहीं होता, मतलब बस हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी घास होती है। और भावना ऐसे उसके ऊपर आ जाती है, उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। तो पीहू पे उसे किस कर रही होती है, तभी भावना जो होती है पीहू के नीचे वाले लिप्स पे बाइट करना स्टार्ट कर देती है। पीहू कहती अरे मेरी जंगली बिल्ली इतने ज़ोर से कौन काटता है। तो भावना हंसती है। तो उसके बाद भावना जो होती है ऐसे पीहू के नेक पे किसी से बाइट करती है, ऐसे उसके शर्ट के बटन खोलती है। तो पीहू कहती अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ मैं करती कैसे। तो पीहू जो होती है ऐसे भावना को नीचे कर देती है, उसके ऊपर आ जाती है और ऐसे पागलों की तरह बस किसेस करना स्टार्ट कर देती है। उसके नेक पे किसेस के साथ साथ बहुत जोर जोर से बाइट भी कर रही होती है। तो भावना कहती अच्छा लव बाइट्स बना रही हूँ हाँ। पीहू कहती हाँ ना। तो उसके बाद फ्यूज होती है ऐसे भावना के शर्ट के बटन खो रही होती है, और जैसे शर्ट के बटन धीरे धीरे खो रही होती है वैसे किसेस कर रही होती है वहाँ पे। तो उसके नेक पे बहुत किसेस करती है, फिर नेक से थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा और नीचे ऐसे किस करते 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 उसकी टमी पे आ जाती है, और फिर ऐसे उसके थोड़ा सा ऊपर जाके उसकी पूरी शर्ट रिमूव कर देती है। और ये दोनों बस पागलों की तरह बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं, इन्हें कोई नहीं फिक्र नहीं होती कि कोई आ जाएगा कोई देख लेगा कुछ भी नहीं, बस पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं।
और देखते देखते ये दोनों बिल्कुल न्यूड हो जाते हैं, इनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता और बस एक दूसरे से बालों की तरह रोमांस कर रहे होते हैं। और तभी आर्य और महाराज होते हैं, वो ऐसे चलते चलते वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हमारे ऐसे आगे आर्य होती है। तभी आर्य उसका हाथ पकड़ती है, हमारा कहते क्या हुआ। आर्य कहती कि आई थिंक हमें थोड़ा नीचे जाना चाहिए। हमारा कहती अरे हमें ऊपर जाना है, वो दोनों पता नहीं कहाँ पहुँच के होंगे। तो आर्य जो होती है मतलब वो इन दोनों को तन देखती है कि इन दोनों के मतलब कपड़े जो होते हैं वो ये देख लेती है और समझ आते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ हो रहा है। तो उसे पीयू की वो बात याद आती है कि कपल्स के बीच में तो सब कुछ होता है। फिर भावना की वो बात सुनती है कि हम दोनों तो न्यूड होके सोते भी हैं, तो इसमें क्या है, कपल्स के बीच में तो सब नॉर्मल है। तो आशी समझ आती है कि इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, तो वो ऐसे हमारा का हाथ पकड़ती है, उसे पीछे कर लेती है। हमारा कहती लेकिन तो हर चीज़ होती है, ऐसे हमारा कि लिप्स पर ऐसे हाथ रखती है, कहती प्लीज़ मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती। तो हमारा कहती अरे नहीं वो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे ना। तो आरशी जो होती है वो नहीं चाहती होती कि हमारा ये सब देखे, तो वो ऐसे बस हमारा क्लिप से किस कर देती है। तो हमारा कुछ भी नहीं आती, वो भी आरशी को किस कर रही होती है। तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और स्लोली स्लोली ऐसे किस करते करते दोनों नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं। और हमारा जो होती है ऐसे आरशी को हक कर लेती है। तो आरशी उसे कहती है कि एक बात पूछूं, हमारा बोलती हाँ। आरशी बोलती है कि जब गाड़ी में तो मुझे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही थी, मेरी शर्ट के बटन भी खोल थी, फिर अचानक से क्या हुआ कि तुम वो शर्ट के बटन फिर से लगा दिए। तो हमारा चुप हो जाती है, आरशी बोलती बताओ ना। तो हमारा जो होती है वैसे आशी के सीने पर ऐसे हाथ रखते हुए कहते हैं तुम्हारा दिल, तुम्हारे दिल ने मुझे कहा कि तुम्हें ये नहीं करना, इसलिए मैंने नहीं किया। आशी कहते अगर मेरे दिल ने सारी ज़िंदगी यही कहा तो क्या सारी ज़िंदगी तुम मेरे साथ वो सब नहीं करोगी। हमारा कहती हाँ नहीं करूँगी, जब तक तुम्हारा दिल इजाज़त नहीं देगा हम दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो, हमारे बीच किस हो जाती है, मेरे लिए ये भी बहुत है। तो आशिफ को हमारा पे बहुत ज़्यादा प्यार था, वैसे हमारा को हक कर लेती है, कहती है कि तुम सच में बेस्ट हो। तो हमारा कहती है हाँ वो तो मैं हूँ अब चले। तो आशिफ से हमारा का हाथ पकड़ती है, कहती नहीं मैं चाहती हूँ कि भावना और प्यू अकेले में कुछ वक्त गुजार सकें। तो कहती अच्छा जी और हमारा क्या। तो आशी कहती क्या क्या, हमारा खुद ही तो कहा जब तुम मेरे दिल ज़्यादा नहीं देगा हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा कहती अच्छा लेकिन हम बैठ के बातें तो कर सकते हैं। तो हमारा जो ऐसे बैठ जाती है और आशी को ऐसे अपने जो थाइस पे बिठा देती है। तो आशी को बहुत अच्छा लगता है और हमारा नजर उसके कपड़े में हार्ट भी डाला होता है, ऐसे उसे हक करके बैठी होती है और ये दोनों एक दूसरे से बस बेइंतहा बातें कर रहे होते हैं। तो हमारा आरशी को कहते हैं कि मुझे ना तुम्हारे सारे डर दूर करना है, मुझे बताओ ना तुम्हें किस किस चीज़ से डर लगता है, हम देखना तुम्हारे सारे डर दूर करेंगे, मुझे बताओ ना तुम्हें क्या क्या करना है लाइफ में, तुम्हारे गोल्स क्या हैं। तो आरशी ऐसे मारा को देखती है और कहती है कि अच्छा वो भी मैं बताऊँ तो तुम क्या करोगी, खुद पता करो ना मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो महाराज से कहते अच्छा चलो मैं अभी भावना से पूछ के आती हूँ तुम्हारे क्या कुछ नहीं लगता। आर्य कहती नहीं 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 मैं बताती हूँ ना मुझे क्या क्या पसंद है, उन दोनों को क्यों डिस्टर्ब करना। और वहाँ दूसरी तरफ भावना और प्यू होते हैं, वो भी एक दूसरे को हक करके लेटे हुआ होता है। और तभी भावना कहती है कि आई थिंक अब हमें कपड़े पहनने नहीं चाहिए, बहुत टाइम हो गया, शायद वो दोनों आने वाली होंगी। प्यू कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो ये दोनों जो होते हैं उठते हैं, कपड़े शपड़े पहनते हैं, बाल वगैरह सेट करते हैं और प्यू जो होती है अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है, भावना को लिपस्टिक लगाती है और खुद की लिपस्टिक भी ठीक करती है। भावना कहती है तुम एक सेकेंड तुमने ये इस बैग में क्यों रखी, क्या तुम्हें पता था हमारे बीच में ये सब होगा। प्यू कहती हाँ ऑफकोर्स हमारे बीच में सब होना था। तो भावना जोर से हंसी कहती बहुत चलाक हो रही हो तुम है ना। प्यू कहती हाँ अब जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट हो उसे तो लिपस्टिक बैग में रखनी पड़ेगी ना, क्या पता कहाँ लगाने की जरूरत पड़ जाए। तो भावना जोर से हंसती है। तो उसके बाद प्यू जो होती है वैसे भावना के नेक पे ऐसे एक रुमाल से लपेट देती है। भावना कहती ये क्यों, इतनी भी ठंडी है। प्यू कहती ठंडी है लेकिन लव बर्ड साफ दिखते हैं, मैंने चाहती कि तुम्हें कोई छेड़े इसलिए। तो भावना हंसते हुए अच्छा ये तो देने से पहले सोचना था ना। प्यू कहती अच्छा बाबा गलती हो गई। तो भावना हंसते हुए अरे पागल मैं तंग कर रही हूँ। तो भावना भी ऐसे प्यू को हक कर लेती है। तो तभी प्यू कहती बहुत टाइम नहीं होगा अभी तक ये दोनों नहीं आए, कहीं कुछ हो तो नहीं है इनके साथ, चलो चेक करते हैं। तो भावना कहती हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो, मुझे लगता है इन दोनों के बीच कुछ हो रहा होगा। तो प्यू कहती भावना पागल हो, आरशी इतनी ज़्यादा शाही है, वो बंद रूम में कुछ ना करे तो मैं क्या लगता है यहाँ खुले में करेगी, कुछ नहीं होगा उनके बीच चलो। तो भावना कहती ये भी तुम ठीक कह रही हो। तो उसके बाद दोनों जोर से हंसते हैं और फिर ऐसे हाथों में हाथ ये नीचे की तरफ आ रहे थे इन दोनों को ढूंढने के लिए। तो ये लोग जब नीचे आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि आरशी जो होती है वैसे महाराज की गोद में बैठी है, ऐसे उसके बाहों में बाहें डाल के उसकी आंखों में आंखें डाल के कुछ बात कर रही है। भावना कहती हाय तरह कितने क्यूट लग रही है यार, देखो सेम हमारी तरह। प्यू कहती हाँ वो होता है। तो तभी प्यू अपना मोबाइल निकालती है और इन दोनों की आरे सी पिक लेते हैं, कहती देखो कितने क्यूट कवर लग रहे हैं ना। तो आरशी कहती हाँ
तो तभी हमारों को ना एहसास हो जाता है कि वहाँ पे कुछ है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे थोड़ी थोड़ी घास पत्ते वगैरह होते हैं, तो ये तो जब चलते हैं ना तो से आवाज़ आ जाती है, और वो आंटी को ऐसे खुद से दूर करती है, उठ के खड़े हो जाती है, कहती कौन है यहाँ पे, तो ऐसे बोल के इसका हम जो स्टिक थे ना वो ऐसे सामने को करती है डराने के लिए ना, तो तभी पीयू सामने आ जाती है, कहती रिलैक्स हम तुम दोनों को देखने आए थे, पता नहीं कहाँ रह गए तुम, हमें लगा शायद तुम लोगों के साथ कुछ हो गया था और तुम लोग ठीक हो। तो आरशी कहती है हाँ हम लोग ठीक हैं। तो उसके बाद ये सारे इकट्ठे चलने लगते हैं, तो तभी आरशी जो होती है ऐसे भावना हाथ पकड़ती है, उसे कहती है सारा तुम मेरी बात सुनना, तो ऐसे थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और दोनों ऐसे स्लोली स्लोली चलने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो भावना कहती है हाँ बोलो। तो आरशी कहती है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था, मैंने तुम्हारे कपड़े देखे वहाँ पर और पीहू के भी उतरे हुए, क्या कर रहे थे तुम दोनों। तो भावना हंसने लग जाती, कहती है वही जो तुम सोच रही थी। आरशी कहती है सब गलत है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। भावना कहती है हेलो प्यार में कुछ गलत नहीं होता, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आरशी कहती लेकिन प्यार में फिजिकल होना ज़रूरी थोड़ी है। तो भावना कहती प्यार में ना तुम्हारी तरह होना भी ज़रूरी नहीं है, प्यार में कुछ गलत कुछ सही नहीं दिखता, और वैसे भी जहाँ प्यार होता है वहाँ ये सब होना ही होता है, आज नहीं तो कल तुम दोनों के बीच ये सब भी होगा। आरशी कहती कुछ नहीं होगा ऐसे समझी। भावना कहती हो नो शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मैं ठीक कह रही हूँ। तो तभी हमारा पीछे को होती है, कहती क्या हुआ तुम दोनों इतना स्लो स्लो क्यों चल रहे हो। तो आरशी कहती कुछ नहीं। तो उसके बाद ये भी उनके पास जाते हैं, और आरशी ऐसे मारा को देख के स्माइल करती है, उसके ऐसे बाजू जो होते हैं ऐसे पकड़ लेती है और ऐसे धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो पीहू कहती अरे तुम लोग इतने धीरे धीरे चलोगे तो हम कल सुबह तक वहाँ जाके पहुँचेंगे, जल्दी जल्दी चलो। तो उसके बाद ये लोग जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं, और फाइनली ये उस पहाड़ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने इतनी सारी मेहनत की थी, और वहाँ पहुँच के लोग बहुत उछलते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, भावना भी होते हैं, एक दूसरे के लिप्स पर किस भी करते हैं, उसके बाद ये सारी वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं। एंड फाइनली पीहू कहती फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच ही गए। तो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर पीहू बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाती है भावना आई लव यू, तो मतलब इतने ज़ोर से भाई आवाज़ बैक हो रही होती है। भावना कहती वाह यार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आरशी जो होती है ऐसे हमारा को देख रही होती है कि हमारा मोबाइल में लगी हुई है, तो आरशी जो होती है वो वहीं पर खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाती है हमारा आई लव यू, तो हमारा देख के स्माइल करती है, वैसे आरशी को देख के उसके फोटो पे किस करती है, कहती है आई लव यू टू। तो उसके बाद भावना जो होती है वो आरशी को कहती है कि तुम पीछे रहना आगे ना जाना, लेकिन आरशी कहती है क्यों मैं तो जाऊँगी। तो आरशी जो होती है थोड़ा आगे चल जाती है, आगे जाने के बाद जब वो नीचे देखते हैं कि नीचे बहुत गहराई है, वो इतना ऊँचा आ गया, तो आरशी को तो चक्कर आने लग जाते हैं, वो बस ऐसे नीचे गिरने वाली होती है, एक स्टेप दूर होती है उसको चक्कर आते इतने ज़ोर से, वो बस खाई में गिरने वाली होती है। तभी हमारा जो होता है उसका हाथ पकड़ी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे हक कर लेती है और कहती है तुम ठीक हो ना। तो आरशी एकदम बेहोश हो जाती है, तो हमारा ऐसे उसे गोदी में बिठालती है नीचे होके, तो वो जो होते हैं उसके मुँह पर पानी डालती है और कहती है आरशी होश में हो तुम ठीक हो ना, तुम्हारा तो बहुत डर जाती है। लेकिन आरशी जो होती है वैसे दो मिनट बाद आँखें खुलती है, तो हमारा उसे टाइटली हक करती है, कहती थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं पता मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी, तुम ठीक हो ना। तो आरशी ऐसे उठते हैं कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तो हमारा उसे पानी पिलाती है, और पीहू कहते हैं कि आई थिंक हमें वापस जाना चाहिए। आरशी कहते हैं तुम लोग का दिमाग ख़राब है, इतने ऊपर मुझे लेके आए ये सब दिखाने के लिए, और अब वापस से वापस जाओ पागल हो गए तुम लोग। तो हमारा जो होती है वो समझ रही होती है कि डर के हमारे ऐसे बोल दिया, तो पीहू कहते हैं रिलैक्स हम वापस चल के नहीं जाएंगे, यहाँ पर चेयर लिफ्ट हम वो यूज़ करेंगे। तो आरशी कहती है पहले यूज़ नहीं कर सकते थे, इडियट कहेंगे चला चला के थका दिया मुझे। तो भावना हंसते कहती रिलैक्स यार यही तो एडवेंचर होता है, यही करने तुम यहाँ आए थे। तो इसके बाद वहाँ से नीचे एक छोटी सी सड़क जाती है, वहाँ से लेफ्ट को जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वहाँ पे चेयर लिफ्ट होता है, बहुत सी आवाम वहाँ पे लाइन में खड़ी होती है, लाइन बहुत लंबी होती है। तो हमारा उसे देख के थी शायद हम पैदल जाते तो जल्दी पहुँच जाते हैं, लाइन बहुत बड़ी, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। पीहू कहती रिलैक्स मैं टिकट्स लेके आती हूँ। तो पीहू जो होती है वो टिकट्स लेने चले जाती है, और आरशी जो होती है उसे हमारा का टाइटली से हाथ पकड़ लेती है। तो हमारा कहती क्या हुआ, आरशी कहती मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो हमारा कहती अच्छा तो बैठ जाओ, आरशी कहती यहाँ नीचे। तो हमारा हंसती है कहती अच्छा यहाँ नहीं बैठना, तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। जहाँ पे लाइन में लगे होते हैं वहाँ साइड पे ना स्टैंड्स होते हैं, ठीक है उन्हें पकड़ने वाले। तो हमारा जो होती है आरशी को ऐसे उठा के उस पर बिठा देती है, और ऐसे उसकी कमर में हाथ डाला होता है कि वो गिर ना जाए, कहती अब अच्छा लग रहा है आरशी, कहती तो आरशी ने ऐसे हमारा के शोल्डर वैसे नीचे होकर सर रखा होता है, और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, ये ट्रिप था ही मेरी जान लेने की कोशिश। तो हमारा कहती रिलैक्स अब हमें चलना नहीं पड़ेगा, ओके बस थोड़ी देर में हम होटल पहुँच जाएंगे। तो आरशी बोलती है हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, चला चला के देखो क्या हालत करती है मेरी। तो हमारा हंसती है कहती अच्छा। तो हमारा जो होता है एक हाथ ऐसे आरशी के कमर में होता है, एक हाथ से अपने बैग की जिप खोल रही होती है, आरशी कहती इसमें क्या है, हमारा एक दिख खोलो ना, एक हाथ से नहीं खोल रही।
तो आशीष होती है ऐसे उस जिप को खोलते हैं, तो उसमें ना बिस्किट्स होते हैं। तो आशीष कहती थैंक गॉड कुछ खाने को तो मिला, तो आशीष बोल के फ़ौरन से खाने लगती है। तो हमारा हंसती है, आशीष कहती है कि तुमने अपने लिए रखे थे क्या? हमारा कहती बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए रखे थे, मुझे पता था तुम्हें भूख लगी, घर में वापस आते आते शाम तो हो ही जाएगी। तो आशीष ऐसे कहती थैंक यू। तो उसके बाद आशीष होते अपने हाथ से हमारा को खिला रही होती है, तो तभी वहाँ भानु और पियो आ जाते हैं, तो उनके साथ भी बिस्किट्स शेयर करते हैं। तो ऐसे काफ़ी देर लाइन में खड़े रहते हैं, तो फाइनली इनका नंबर आ जाता है। तो लोग जब चेयर लिफ्ट में जाने लगते हैं, तो भाई आरशी तो बहुत ही ज़्यादा डर लगी होती है उसकी, तो जहाँ जा रही होती मैंने नहीं बैठना, मैं नहीं मुझे वापस जाना है। तो हमारा ऐसे उसका हाथ पकड़ के खड़ी होती है और उसे ज़बरदस्ती चेयर लिफ्ट में बिठा देती है। तो दोनों जो होते हैं कि चेयर लिफ्ट में होते हैं, तो आरशी की तो बात बहुत ही ज़्यादा जान जा रही होती है चेयर लिफ्ट में बैठ के। जब ये नीचे की तरफ देखती है तो भाई साहब इतनी गहराई, उफ़, उसको तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो आरशी ऐसे आंखें बंद करती कहती मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊँगी मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं। तो हमारे उसे उसका हाथ पकड़ते कहते रिलैक्स, सेफ्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं होने दूंगा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हाँ इसे देखो, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, हाँ सब ठीक है। तो और जैसे हमारा की तरफ देख रहे होते उसे हक कर देते कहते मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमारा कहती रिलैक्स सब ठीक है मैं हूँ ना, हाँ। तो आशी तो जान जा रही थी, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही होती खुद पे, रोने स्टार्ट कर देती है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। तो हमारा बहुत डर जाता है, उसे समय आता है वो क्या करे। और वैसे आशी के वैसे कैसे अपने हाथों में लेके उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो आशी जो होती है वो बहुत घबरा रही होती है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है, वो भी फिर हमारा को किस करने लग जाते हैं। तो दोनों चेयर लिफ्ट में बैठ के एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और जब ये लोग नीचे उतरते हैं तो आरशी को तो भाई बहुत चक्कर आ रहे होते हैं, वो तो नीचे उतरते ही वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती है। तो हमारे ऐसे उसे संभाल रही होते हैं, तो उनके पीछे पीछे भानु और पियो पे आ जाते हैं, वो कहते क्या आरशी तुम ठीक हो ना? तो हमारा जो होते आरशी को पानी पिला दिया, कहती हाँ आप शायद ये ठीक है। तो तभी भावना जो होती है वो कहती है कि रुको हम पिक्स लेके आते हैं। तो आरशी कहती किस चीज़ की पिक्स? तो वो कहते कि अरे हमने वहाँ पर एक कैमरामैन को हायर किया था जब हम चेयरलिफ्ट में थे, वो दूर से हमारी पिक्स ले रहा था, नीचे तुम लोगों ने शायद देखा नहीं, वहाँ पे कैमरामैन खड़े होते हैं, उन्होंने हमारी पिक्स लिया। तो आरशी ने मारा तो घबरा जाते हैं, इन्हें शक हो जाता है कि वो तो इनकी किस वाली पिक की लोग। तो ये दोनों कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो हमें लेने पिक्स। तो पियो कहते अरे क्यों, हम दोनों लेके आ रहे हो, तुम बैठो यहाँ पे। तो आरशी बहुत शर मारती है, कहती उसमें तो हम किस कर रहे थे ना? तो वो कहती अरे वो अच्छा होगा कैमरामैन देखना, उसे हमारी किस वाली पिक ली नहीं होगी, हाँ है ना? तो आरशी कहती हूँ आई होप सो। तो उसके बाद आरशी को हमारा जो होती है बहुत प्यार से संभालती है, उसका ख्याल रखती है, उसका हाथ पकड़ के ऐसे उसे नीचे लेके आती है। तो वहाँ आके हमारा जो होता है आरशी को बिठा देती है। तो तभी भानु और पियूष होते हैं, वो पिक्स लेके आते हैं, कहते हैं ये लोग सारी पिक्स ऊपर हमारी हैं और नीचे तुम्हारी। तो आरशी दोते घबरा कैसे देखते हैं, कहती प्लीज़ पकवान हमारी किस वाली पिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इन दोनों की पिक्स देखती है बहुत अच्छी है। तो पियूष कहती है कि अच्छी है ना? तो आरशी कहती हूँ। तो नीचे देखती है तो उसमें इन दोनों की दो पिक्स होती है और दोनों ही वो किस वाली होती है। तो आरशी तो फोर ऐसे पिक्स ऐसे उल्टा कर देती है। तो हमारा कहती क्या हुआ दिखाओ मुझे। तो हमारा देखती है तो हंसने लग जाती है, कहती वैसे कितनी अच्छी पिक ली है ना, वाह। तो आरशी कहती है कि पढ़ा इसे अभी कि अभी। हमारा कहती पागल मैंने पढ़ना, इतना अच्छा हमारा मोमेंट कैप्चर हुआ बीच में, कितना अच्छा लग रहा था ना, इतनी ऊंचाई पे हमने जाके किस किया। तो प्यूज होती है वो हंस रही होती है और आरशी वैसे देख रही होती है। तो आरशी को और ज़्यादा शर्मा आ रही थी, कहती मुझे भूख लगी है कुछ खिलाना है कि नहीं? तो हमारा कहती हाँ ठीक है चलते हैं। तो हमारा जो होती है ऐसे सारी पिक्स भीवो को पकड़ा देती है और ऐसे आरशी को संभालते हुए ये लोग बाहर आते हैं। तो आरशी कहती है हमारी गाड़ी कहाँ? प्यू कहती बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो वहीं पार्क की थी मैंने। तो ये लोग जो होते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी होती है, तो लोग गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। और आरशी कहती है मुझे भूख लगी है। पियो कहती है हाँ बाबा मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, हम जा रहे हैं। तो तभी ये जो होते हैं पास वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाके खूब सारा खाते हैं, और खाने के बाद इन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। और आरशी कहते हैं कि अब हम घर के लिए निकलें। पियो कहती है पागल अभी तो हम कुछ घूमे ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ एक ही एडवेंचर किया, अभी हमें बहुत कुछ घूमना है, चलो। तो आरशी कहती है मैं बहुत थक गई हूँ सच में, मुझे कुछ नहीं घूमना, मैं वापस होटल जाऊँगी और सो जाऊँगी, तुम लोग को जहाँ घूमने जाना है तुम जाओ। तो पियो कहते अरे यार ऐसा तो ही होता है, इतनी मुश्किल से तो हमें बाहर घूमने का मौका मिला, अभी तो हम पूरा घूमे ही नहीं है, अभी तो बस एक एडवेंचर किया, अभी बहुत सारे एडवेंचर्स करने बाकी हैं। तो भाना कहती है कि जान रात हो रही है, हमने पापा को कहा था कि हम रात को वापस आ जाएंगे, कहती अभी भी हम निकलेंगे ना तो कल सुबह जाके घर पहुँचेंगे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं आज निकलने का, हम कल सुबह में ही निकलेंगे दिन में और फिर कल रात को जाके पहुँचेंगे, आज हम पूरा घूमेंगे ठीक है। तो आरशी कहती लेकिन भावना कहती अरे ठीक तो कह रही है, घूमने तो आए थे तो घूमेंगे। तो हमारा कहती हाँ ठीक है मैं तो रेडी हूँ। तो ये लोग जो यहाँ फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं अच्छे से, और गाड़ी जो होती है वो स्टार्ट करते हैं। तो पियूष जो होती है काफ़ी सारी जगहों पर इन्हें लेके जाती है, लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत मस्तियाँ करते हैं, बहुत सारी पिक्स बनाते हैं, उसके बाद थक हार के वापस होटल चले जाते हैं।
तो होटल में जाने के बाद आरशी तो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, वो जाके बेड पर लेट जाती है और उसके बॉडी पेन स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसे आदत नहीं थी इस तरह इतना ज़्यादा चलने की, वो भी पहाड़ पे चढ़ने की। तो उसके पाँव में बहुत दर्द होता है, उसकी लेग्स ऐसे लगते हैं जैसे टूट रही है। वो बस कह रहे थे मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। तब ये हमारा जो होती है वैसे शावर लेके आती है, वो देखती है कि आरशी को बहुत पेन है, वो आरशी के पास आ जाती है, कहती है क्या आरशी के तो बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे कोई पेन किलर दे दो ना। तो हमारा जो होती है आरशी को पेन किलर देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दे कहती है तुम सो जाओ। तो आरशी ऐसे सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे बहुत पेन होता है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही होती है, दर्द के मारे आह कर रही होती है। तो हमारा समझ आता है कि इसको हद से ज़्यादा पेन है, तो वो आरशी के पाँव के पास जाके बैठ जाते हैं, उसकी टांगें ऐसे दबा रही होती है, तो आरशी को सुकून मिलता है और वो थोड़ी देर में सो जाती है। तो हमारा ऐसे काफ़ी देर तक उसकी टांगें दबाती रहती हैं और फिर ऐसे उसकी टांगों पर सर रख के सो जाती है। और जब आरशी की आँख खुलती है रात को वॉशरूम जाने के लिए, वो देखती है कि हमारा उसके पाँव में सोई हुई है, तो वह समझ आती है कि सारा रात मेरी पाँव दबाती रही है। तो आरशी ऐसे हमारा को देख के स्माइल करती है और ऐसे हमारा को उठाती है कि जान उठो क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। तो हमारा कहती है हाँ क्या हुआ दर्द हो रहा है क्या। आरशी कहती है नहीं इधर आओ ऊपर। तो आरशी ऐसे हमारा को ऊपर सुला देती है पिल्लों पर और ऐसे उसके ऊपर ब्लैंकेट देती है और उठती है। तो हमारा कहती कहाँ जा रही हो आरशी, कहती अरे वॉशरूम जा रही हूँ आती हूँ। तो आरशी जो होती है फ्रेश होकर आती है और देखती है कि हमारा सो गई है। तो आरशी ऐसे उसके पास आके उसे ऐसे हक करके सो रही होती है, उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। अब धीरे धीरे आरशी का हमारा से प्यार और भी ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह हमारा उसकी केयर करती है, उसका ख्याल रखती है, उसकी फीलिंग्स की कदर करती है। आरशी तो पूरी तरह पागल हो चुकी होती है हमारा के प्यार में और वो हमारा के फोर पे किस करती है, कहती है कि मुझे पता है तुम जो प्यार डिज़र्व करती हो शायद मैं तुम्हें नहीं दे पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो आरशी से बोल के हमारा को टाइटली हक करके सो जाती है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं एनिमल पार्ट में क्या होगा, तब तक ले टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइज जानस बोले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। एंड अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप लोगों ने मेरे न्यू चैनल को यानी लव का फंडा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ना, वहाँ पर भी मैं रोज़ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज अपलोड करती रहती हूँ, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देन टाटा बाय बाय।